और सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। ऐशबाग में ये प्लाईवुड फैक्ट्री है और इस आग में कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। 6 से ज़्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीर लखनऊ के ऐशबाग की हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और एबीपी गंगा पर सबसे पहले तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और जिस तरीके से आग इस वक्त धधक रही है, इतनी ज़्यादा फैल चुकी है और यही वजह है कि 6-6 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, लेकिन आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। और एबीपी गंगा संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, फिलहाल आग अभी भी जल रही है या कुछ कंट्रोल है? देखिए, आग अभी भी कहा जाए कि अभी पूरी तरीके से नहीं बुझ पाई है। ये चूंकि प्लाईवुड फैक्ट्री है और ये पूरा इलाका ऐशबाग का ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ इसी तरीके की प्लाईवुड फैक्ट्रियां काम करती हैं, लिहाजा सूखी लकड़ी के बुरादे के चलते ही इतनी भीषण आग लगी हुई है। यहाँ पर करीब दर्जन भर गाड़ियां यहाँ पर आ चुकी हैं, आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन अभी आग पर काबू है लेकिन अभी बुझाई नहीं जा सकती है। दमकल की गाड़ियां हजरतगंज, आलमबाग, कृष्णा नगर, इंदिरा नगर चौक, फायर स्टेशन से लगातार गाड़ियां बुलाई जा रही है, आग बुझाई जा रही है, कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से आग को पूरी तरीके से बुझाया जा सके, लेकिन आग को नियंत्रित तो कर लिया गया लेकिन अभी पूरी तरीके से बुझाई नहीं जा सकी है। लकड़ी में आग लगी है, लिहाजा उसको बुझाने में अभी थोड़ा वक्त लग रहा है। जी बिल्कुल संतोष, और जिस तरीके की तस्वीरें दिख रही हैं कि पूरी फैक्ट्री लगभग जल चुकी है, तो आग बुझ जाएगी, आसपास के जो फैक्ट्रियां हैं, जो घर हैं, वो हो सकता है इसके खतरे से बच जाएं, लेकिन आग बुझने के बाद फैक्ट्री को कोई फायदा होने वाला वो तो नहीं लगता देखकर कम से कम? देखिए, आग पूरी तरीके से उसने फैक्ट्री को तहस नहस कर दिया है, आसपास के जो इलाके हैं, जो घर हैं, जो फैक्ट्री है, वहां पर आग न फैले, इसलिए दमकल की 3 से 4 गाड़ियां इसी बात के लिए लगाई गई कि फैक्ट्री के आसपास के इलाके को पूरी तरीके से गीला कर दिया जाए, जिससे कि सूखी लकड़ी या आसपास पे वो तेजी से आग ना पकड़ सके। और ये आग है ये उसी फैक्ट्री तक सीमित रहे और उसको वहीं पर कंसोलिडेट करके उसको बुझाया जा सके, लिहाजा कोशिश जारी है, अभी आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। जी शुक्रिया संतोष जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और देखिए जिस तरीके से ये फैक्ट्री जल रही है, उसमें अब कोशिश यही बचती है कि इस आग को आसपास के जो बिल्डिंग्स है वहाँ तक फैलने से रोका जाए, क्योंकि प्लाईवुड की फैक्ट्री है, लकड़ियाँ हैं, लकड़ी के बुरादे हैं, और जिस तरीके से आग जल रही है फैक्ट्री का तो पूरी तरीके से नुकसान हो चुका है। अब दमकल कर्मियों की जो प्राथमिकता है वो ये है कि आग को फैलने से रोक लिया जाए, और वही कोशिश इस वक्त चल रही है। 6 गाड़ियाँ पहले आई थी और अब लगभग गाड़ियों की संख्या 1 दर्जन हो चुकी है, कोशिश आग पर काबू पाने की चल रही है।